मॉर्निंग बच्चों आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर एंड दैट इज क्लास वन के मैथ्स का चैप्टर नंबर सेवन एंड दैट इज मेजरमेंट मेजरमेंट मतलब क्या होता है जब हम किसी भी चीज को नापते हैं या फिर वो पतला है लंबा है छोटा है कैसा भी है उसको हम क्या बोलते हैं मेजरमेंट ठीक है तो हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गर एंड शॉर्टर यानी लंबा और छोटा क्या होता है? है, ठीक लंबा यानी जो भी चीज बहुत ज्यादा बड़ी होगी यानी लंबी होगी जैसे रस्सी लंबी होती है या छोटी होती है तो अगर लंबी रस्सी होगी तो क्या बोलेंगे इट इज लॉन्गर रोप छोटी रस्सी होगी तो इट इज अ शॉर्ट रोप ठीक है तो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट तो चलो हम देखते हैं देखो लॉन्गर एंड शॉर्टर इसमें हमको क्या देखना है कि ये पेंसिल लंबी है और ये पेंसिल शॉर्ट है सो so, हम क्या लिखेंगे पेंसिल ऑन द लेफ्ट साइड इज शॉर्टर पेंसिल ऑन द लेफ्ट साइड इज शॉर्टर और फिर पेंसिल ऑन द राइट साइड इज लॉन्गर तो ये क्या है ये है लॉन्ग ये है शॉर्ट तो हम इसमें ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं तो ये देखो इसमें लैडर ऑन द लेफ्ट साइड इज शॉर्टर लेफ्ट ये है और राइट right ये है तो ये क्या हुआ ये हुआ शॉर्ट और ये हुआ लंबा है ये तो ये हुआ ये हुआ लॉन्ग ठीक है? ऐसे ही हम बाकी चीजों के बारे में भी देख सकते हैं तो चलो देखो लैडर ऑन द लेफ्ट साइड इज shorter, यानी ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है ऐसे ही लैडर ऑन द राइट साइड इज लॉन्गर सो ये वाली क्या है ये लॉन्गर है ठीक है फिर ऐसे ही हमारे पास क्या है लीफ और ब्रूम सो टिक द longer हमको किस पे टिक करना है हमको लॉन्गर वाले पे टिक करना है इन दोनों में से लॉन्ग कौन सा है ये वाला तो हमने इस पे टिक कर दिया तो दिस इज लॉन्गर फिर हम देखते हैं इसमें इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है इसमें ये लंबी ब्रूम है और हमको लॉन्गर यानी क्या चाहिए लंबा ठीक है तो ये लंबा है सो so, हम इस पे टिक कर देंगे सो so, देखो अब लीफ पे यहाँ पे टिक था अब ब्रूम पे यहाँ पे टिक हो जाएगा सो दिस इज लॉन्गर ठीक है ऐसे ही हम आगे के देखते हैं टिक द शॉर्टर अब हमको क्या करना है शॉर्टर यानी छोटे वाले पे टिक करना है ठीक है तो देखो ये रोप बड़ी दिख रही है और ये लो और ये रोप छोटी दिख रही है तो हम पे किस पे टिक करेंगे हम इस पे टिक करेंगे सो द रोप ऑन द लेफ्ट साइड इज शॉर्टर ऐसे ही इसमें देखते हैं ये क्या है स्टिक स्टिक सो में कौन सी छोटी दिख रही है हमको दिख रही है कि ये वाली छोटी है तो हमने इस पे टिक कर दिया सो स्टिक ऑन द लेफ्ट साइड इज शॉर्टर ये लेफ्ट है ये राइट right है सो so, ये शॉर्टर वाली पे हमने टिक कर दिया ठीक है अब हम देखते हैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट मतलब क्या होता है सबसे लंबा और सबसे छोटा ठीक है सबसे लंबा मतलब यहां पे अभी तक हमने दो चीजें देखी थी और अब हम देखेंगे तीन चीजें ठीक है तो चलो देखते हैं देखो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट तो हमारे पास तीन चिलीज है रेड चिलीज है ठीक है आपको दिख रही है ये सबसे छोटी है तो ये शॉर्ट हो गई ये दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये लॉन्ग हो गई ठीक है और ये क्या हुई ये हो गई लॉन्गेस्ट क्योंकि ये इससे बड़ी है ये वाली इससे लंबी है तो ये लॉन्ग बोलेंगे ठीक है इसके कंपैरिजन में बट इसके कंपैरिजन में क्या बोलेंगे कि ये लॉन्गेस्ट है सो so, चिली ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द लॉन्गेस्ट यानी इधर वाली इधर साइड वाली सबसे ज्यादा लॉन्ग है ठीक है अब टिक द लॉन्गेस्ट हमने क्या करना है हमको उस पर टिक करना है सबसे लंबी वाली पे ठीक है देखो यहां पे आपको दिख रहे हैं तीन स्पैचुला स्पेचुला यानी एक बर्तन है जिससे मम्मी आपका रोटी पलटती है ठीक है तो यहाँ पे स्पेचुला है तीन हमको क्या लॉन्गेस्ट वाले पे टिक करना है। तो आपको दिख रहा है इन तीनों में से लंबा कौन सा है ये वाला सो so हमने इस पे टिक कर दिया सो द स्पैचुला ऑन द मिडल इज द लॉन्गेस्ट सो ये वाला सबसे ज्यादा लंबा है ठीक है ऐसे ही हमारे पास तीन कॉर्स हैं, ठीक है अब हमको सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है हमको सबसे लंबा दिख रहा है ये वाला। so, हमने इस पे टिक कर दिया ठीक है सो द कॉन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा लेफ्ट वाला क्या है लॉन्गेस्ट है ठीक है अब हम आगे चलते हैं टिक द शॉर्टेस्ट अभी हमने क्या किया सबसे लंबे वाले पे टिक किया है ना अब हमको सबसे छोटे वाले पे टिक करना है ठीक है सो so, चलो देखते हैं यहां पे क्या है तीन स्टिक्स हैं टिक द शॉर्टेस्ट सो यहां पे तीन स्टिक्स हैं सबसे छोटी वाली कौन सी है ये वाली सो so, हमने इस पे टिक कर दिया ठीक है फिर ऐसे ही हम आते हैं टॉलर और शॉर्टर पे जैसे हमने शॉर्ट और लॉन्ग पढ़ा ठीक है शॉर्टर और लॉन्गर पड़ा फिर हमने लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पड़ा अब हम आते हैं टॉलर और शॉर्टर पे टॉलर और शॉर्टर हम तब यूज करेंगे है तो सिमिलर चीज अगर जैसे आपको कुत्ते का बच्चा मिलेगा तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा कुत्ते से ठीक है तो वो शॉर्टर हो जाएगा किससे उसकी मम्मा से यानी उसकी बड़े वाले फॉर्म से तो हम इसको देखते हैं ठीक है देखो यहां पे दो जिराफ हैं ठीक है थीके? ये मामा जिराफ है और इसको क्या बोलते हैं हम काफ काफ यानी डोंकी काफ यानी जो जिराफ का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम काफ बोलते हैं सी ए एल एफ यानी काफ ठीक है सो so, हमको क्या करना है टॉलर और शॉर्टर तो इन दोनों में से टॉलर कौन सा होगा जो सबसे लंबा है हम टॉलर तब यूज करते हैं वैसे हम क्या यूज करते थे लार्ज लॉन्गेस्ट यूज करते थे लोंगर यूज करते थे बट हम टॉलर तब यूज करते हैं जब वो कोई लिविंग पर्सन हो जैसे एनिमल ह्यूमन बींग्स यानी जानवर या इंसान के कंपैरिजन में अगर हम करेंगे तो वो हम टॉलर और शॉर्टर यूज करेंगे ठीक है सो दिस मदर जिराफ इज टॉलर देन इट्स काफ देखो काफ यानी उसका बेबी जिराफ ठीक है फिर ऐसे ही इन दोनों दो में से कौन लंबा दिख रहा है इन दोनों दो दो में से दिस सो दिस पर्सन इज टॉलर देन दिस द मैन इन द ग्रीन शर्ट इज शॉर्टर देखो ये वाला पर्सन क्या है शॉर्ट है यानी उसकी हाइट कम है ठीक है ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं टॉलर और शॉर्टर यहां पे क्या है बर्ड है और यहाँ पे डक है ठीक है सो डक और बर्ड में डक और बर्ड में से कौन सा लंबा होता है Obviously, duck. तो duck is taller. फिर काउ और उसके काफ में से काउ के बच्चे को भी हम क्या बोलते हैं काफ बोलते हैं सो so, काओ और उसके काफ में से सबसे छोटा कौन सा है ये वाला और सबसे बड़ा कौन सा है ये वाला ठीक है तो इसको हम बोलते हैं टॉलर एंड शॉर्टर ओके अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्टर हमको हमको इन सब में से शॉर्टर वाले पे टिक करना है सो दिस इज अ डॉग एंड दिस इज अ पपी तो डॉग और पपी में से टॉलर कौन सा होगा ऑब्वियसली डॉग पर हमको क्या क्लिक कर, टिक करना है हमको शॉर्टो पर टिक करना है सो शॉर्ट वन इज दिस यानी पपी यानी कुत्ते का बच्चा विल बी शॉर्टो वन ठीक है अब हम आते हैं इन दोनों पे तो ये क्या है ये एक ट्री है और ट्री का जो बेबी होता है उसको हम बोलते हैं सैपलिंग ठीक है सो ट्री और सैपलिंग में से शॉर्टर कौन सा है सैपलिंग, ट्री का बेबी ट्री होता है ठीक है सो सैपलिंग हमेशा छोटा रहेगा बिकॉज वो अभी छोटा है है ना तो चलो हम आगे बढ़ते हैं देखो स्ट और शॉर्टर अब टॉल आ गया यानी उसमें तीन चीजें होगी. उसमें से हमको पता करना है सबसे लंबा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है ठीक है देखो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट यहां पे कितनी स्टोरीज है यहां पे वन टू और थ्री तो ये थ्री स्टोरीज हैं इसमें ऐसे यहाँ पे कितनी स्टोरीज हैं यहाँ पे टू स्टोरीज हैं यहाँ पे कितनी स्टोरीज हैं यहाँ पे वन स्टोरी है तो सबसे टॉलेस्ट कौन सा हुआ सबसे टॉलेस्ट हुआ ये वाला बिकॉज ये सबसे ज्यादा लंबा है है ना सो द थ्री स्टोरी बिल्डिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द टॉलेस्ट सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे क्या है ये वाली बिल्डिंग है और ये टॉलेस्ट है ठीक है ऐसे ही द एक्सट्रीम राइट इज द शॉर्टेस्ट यानी ये वाली क्या है ये वाली शॉर्टेस्ट है ठीक है चलो हम आगे बढ़ते हैं अब हमको वापस पता लगाना है टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट तो ये ट्री है ये बीच वाला ट्री है और ये सैपलिंग है सो so, दोनों में से सबसे ज्यादा टॉलेस्ट कौन सा है टॉलेस्ट है ये वाला ठीक है और शॉर्टेस्ट कौन सा है ये वाला सो द ट्री ऑन द एक्सट्रीम राइट इज राइट इज द शॉर्टेस्ट सो एक्सट्रीम राइट ये है तो ये क्या हो गया ये सबसे छोटा हो गया ठीक है अब आते हैं हम अब आते हैं हम थिकर और थिनर पे थिकर यानी सबसे ज्यादा मोटा और थिनर यानी पतला थिक यानी मोटा थिनर यानी थिक यानी मोटा थिन यानी पतला सो so, जो थिकर चीजें होगी यानी थोड़ी सी घनी या मोटी होगी ठीक है और थिनर चीजें जो होंगी वो सारी थोड़ी सी पतली होंगी ठीक है यानी वो थोड़ा सा उनका मेजरमेंट थोड़ा सा कम रहेगा ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है ये देखो ये दोनों गर्ल्स हैं, इन दोनों के बाल इसके थोड़े ठीक है और इसके थोड़े थिन हैं। ठीक है सो गीताज हेयर इज देन सीताज हेर तो ये कौन हो गई गीता और ये सीता तो गीताज इज थिनर तो ये क्या हो गई इसके बाल थोड़े से थिन हैं और इसकी बहन के बाल यानी उस, या उसकी फ्रेंड के बाल जो हैं, वो थोड़े से थिक हैं. ठीक है अब ऐसे ही ये दो थ्रेड्स हैं, ठीक है ठीके? ये मोटी थ्रेड है और ये पतली। तो इसमें से थिनर कौन सी हुई ये वाली और ये क्या हुई ये हुई थिकर वन तो ये हो गया हमारा थिकर और थिनर पता करना है वॉट इज थिकर तो ये वाली ब्रूम थिक दिख रही है ये वाली हमको ये केवल अपनी आंखों से पता करना है कि ये थिक दिख रही है या ये तो ब्लू वाली ये थिक दिख रही है सो द ब्लू ब्रूम इज थिकर इज थिकर देन द रेड ब्रूम सो ब्लू वाली इज थिकर ठीक है ऐसे ही दोनों स्टेम्स में से कौन सा थिकर दिख रहा है ये वाला थिकर दिख रहा है सो so, देखो The stem of the tree on the right side is thicker. ये right side है और ये thicker है ठीक है ऐसे ही हम आते हैं दूसरे question पे तो so हमको इसमें क्या पता करना है इसमें हमको thinner पता करना है इन दोनों arrows में से पतला कौन सा दिख रहा है आपको ये दिख रहा है तो हमने इस पर टिक कर दिया ऐसे ही आपको दोनों रस्सियों में से दोनों रोप्स में से पतली वाली रोप कौन सी दिख रही है ये दिख रही है तो ये हमने टिक कर दिया सो द रोप ऑन द राइट साइड इज थिनर ये वाली रोप थोड़ी थिन है ठीक है अब हम आते हैं थिकेस्ट और थिनेस्ट यानी सबसे मोटा और सबसे पतला क्या होता है अब हम उसके ऊपर आते हैं ठीक है देखो आपके पास थ्री ड्रम्स दिख रहे हैं सो द ड्रम ऑन ऑफ एक्सट्रीम राइट इज द थिनर वन एक्सट्रीम राइट कौन सा हुआ ये तो ये क्या हुआ ये हुआ थिनर ठीक है और थिकेस्ट कौन सा हुआ ये हुआ थिकेस्ट ठीक है ऐसे ही हमने थ्री पेपर रोल्स लिए ठीक है अब आपको सबसे थिनर कौन सा दिख रहा है पता लगाओ इसमें से यस yes. सो so, ये वाला इज थिनर जो कि सबसे ज्यादा पतला है ठीक है सो द ऑरेंज पेपर रोल ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द थिकेस्ट ये सबसे थिकेस्ट है और ये सबसे थिनेस्ट है तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म हमको मेजरमेंट यानी थिकेस्ट थिनेस्ट डॉलर शॉर्टेस्ट हमको ये सब ही पता करना था इसमें ठीक है थैंक यू सो मच एंड बाय बाय